9th, जैसा मैंने आपको कह दिया था कि मैं आपके लिए ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ, उसी के रिगार्डिंग मैं आपका वीडियो लेक्चर भी बनाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो आपके लिए रेडी होने जा रहा है, फिज़िकल फीचर ऑफ इंडिया चैप्टर का नाम है, ठीक है। चैप्टर नेम इज़ फिज़िकल फीचर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हम जो है इसी चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, आज का जो हमारा लेक्चर है वो इसी पर बेस्ड है, ठीक है। और यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें इसके अंदर पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें हमें इसमें समझनी है, ठीक है। तो फिज़िकल फीचर का मतलब हो गया जो हमारा भौतिक स्वरूप है, ठीक है। हमें अपने भौतिक स्वरूप के बारे में जानना है, ठीक है, कि इंडिया जो है ऐसा देश है जिसका भौतिक स्वरूप जो है वो बाकी कंट्री से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अनोखा है। इसलिए भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा सा ये जानेंगे कि हमारा जो भारत देश है उसका जन्म कैसे हुआ है, उसके पीछे कौन सी कहानी है, कौन सी स्टोरी है, थोड़ा उसकी हिस्ट्री को समझेंगे। यहाँ हम उसका सारा हिस्ट्री बैकग्राउंड क्लियर कर लेंगे, ये सारा हमें उसकी हिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन करता है, ठीक है। और इसके बाद अगर जो हमारा ये मेन चैप्टर है वो है हमारा फिज़िकल डिवीज़न को लेकर, ठीक है, फिजियोग्राफी लेकर, भौतिक स्वरूप को लेकर, ठीक है। तो उसमें जो चीज़ हमें पढ़नी है वो हम पढ़ेंगे। ये हमारे पास 6 कंटेंट हैं इस चैप्टर में, हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन और आइलैंड। यानी कि हमें ये पांचों चीज़ें जो है, 6 चीज़ें, इसी से ही हमारा ये जो पूरा चैप्टर है वो तैयार हुआ है। हमें इसी के ही सारी बैकग्राउंड स्टोरी जो है उसे अपने इस चैप्टर में फिज़िकल फीचर ऑफ इंडिया में समझना है, ठीक है ना। तो आपको इंट्रोडक्शन से क्लियर हो चुका होगा कि हम क्या जानना चाहते हैं, कि ये हमारा इंडिया जो है इसके नॉर्थ में हिमालयाज़ हैं, इसके वेस्ट में हमारे जो है डेजर्ट हैं, यहाँ पर हमारे दो सी, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है, ये हमारी कोस्टल बाउंड्री है, नीचे हमारा इंडियन ओशन है, ठीक है। तो और यहाँ पर हमारे दो आइलैंड्स भी हैं कि इधर लक्षद्वीप और इधर जो है हमारा अंडमान है, निकोबार आइलैंड है, ठीक है। तो इन्हीं सब की जो स्टोरी है, इन्हीं सब को लेकर हम अपनी ज्योग्राफी के चैप्टर 2 में क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर को। दैट यू हैव ऑलरेडी लर्नड अर्लियर दैट इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। आप पुराने समय से पहले से ही ये बात जानते आ रहे हैं, अर्लियर पीरियड से, कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है जिसका लैंड फॉर्म जो है वो वैरिड है। यानी भारत का जो लैंड फॉर्म है, जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया कि नॉर्थ में हमारे हिमालयाज़ हैं, वेस्ट में हमारे डेजर्ट है, हमारे पास दो आइलैंड्स भी हैं, हमारे पास दो सी भी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाते हैं, इंडिया का एक वैरिड लैंड फॉर्म बनाते हैं, कि भारत जो देश है वो कहीं से भी एक जैसा नहीं है, उसमें अलग अलग तरीके के फीचर्स पाए जाते हैं। व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन, आप किस तरीके के टेरेन में रहते हैं, ठीक है, जिस जगह पर आप रहते हैं वहाँ का टेरेन, वहाँ की भूमि कैसी है, ठीक है। टेरेन जो होगा बच्चों, वो अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे कहीं कहीं प्लेन यानी कि समतल भाग हो सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग नॉर्थ साइड में रहते हैं इंडिया के, तो हम कैसे सरफेस पे रहते हैं, प्लेन सरफेस पे रहते हैं, ठीक है। एक टेरेन ऐसा होगा जहाँ पर हिली माउंटेन्स होंगे, ठीक है, बड़े बड़े पहाड़ होंगे, तो वो रीजन कैसा होगा, हिली रीजन, ठीक है। कुछ जगह ऐसी भी है भारत में, नीचे की तरफ अगर हम साउथ में चले जाएँ तो वहाँ हमें छोटे छोटे जो है हिल्स दिखाई देंगे, जिन्हें हम प्लेट्यूज़ कहते हैं। तो वहाँ का भी जो टेरेन है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें ये समझने में आसानी होती है कि हम किस तरीके के टेरेन में रहते हैं, ठीक है। हमारा जो टेरेन है, रहने की जगह है, स्थान है, वो किस प्रकार का है, ठीक है। तो इफ़ यू लिव इन अ प्लेन्स, प्लेन्स मतलब मैंने अभी अभी चर्चा की समतल भाग की, ठीक है। यू आर फेमिलियर विद द वास्ट स्ट्रेच ऑफ प्लेन लैंड, आपको दूर दूर तक सिर्फ क्या दिखाई देगा, प्लेन लैंड ही दिखाई देगा, ठीक है। स्ट्रेच मतलब फैलाव, दूर दूर तक सिर्फ किस चीज़ का फैलाव होगा, प्लेन लैंड जो है उसी का फैलाव होगा, ठीक है ना।
इन कंट्रास्ट इफ़ यू लिव इन हिली रीजन, अगर आप हिली क्षेत्र में रहते हैं, हिली रीजन में रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, तो वहाँ का टेरेन कैसा होगा? रगेड होगा। रगेड मतलब अभी बताया मैंने, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होती है। पहाड़ों की ज़मीन जो होती है वो प्लेन समतल भाग जैसी एक जैसी नहीं होती है, ठीक है। जहाँ आपको क्या क्या दिखाई देंगे, आपको दिखाई देंगे माउंटेन्स, आपको दिखाई देंगी वैलीज, घाटियाँ दिखाई देंगी, जो हिली रीजन का कॉमन फीचर होती है, ठीक है। तो हिली रीजन का टेरेन अलग होता है और प्लेन रीजन का टेरेन जो होता है वो अलग होता है, ठीक है ना। इसके बाद इनफैक्ट आवर कंट्री हैज़ प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। ये बात तो मैं आपसे अभी भी कह चुकी हूँ कि हमारा जो कंट्री इंडिया है उसका जो फिज़िकल फीचर है वो बहुत ही मेजर है, बहुत बड़ा फिज़िकल फीचर है। जैसे कि आपको ये सारी चीज़ें मैं अभी अभी बता चुकी हूँ कि हमारे पास माउंटेन्स हैं, हमारे पास प्लेन्स है, डेजर्ट है, प्लेट्यूज़ है, आइलैंड है। इससे हमारा इंडिया जो है उसका फिज़िकल फीचर बहुत ही ज़्यादा मेजर हो जाता है, ठीक है। तो आप इंडिया के फिज़िकल फीचर को जानकर बहुत हैरान होंगे, बहुत वंडरिंग होंगे, इसीलिए ये चैप्टर भी उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो अब जो हमारे पास पार्ट शुरू होता है नेक्स्ट पैराग्राफ, वो है रॉक से रिलेटेड। वी फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, ठीक है। अब जैसे अगर हम पहाड़ों की बात कर रहे हैं, पर्वतों की बात कर रहे हैं, ठीक है, मिट्टी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम नॉर्मली किसकी चर्चा कर रहे हैं? रॉक्स की, ठीक है। यानी हम अब रॉक्स को जानेंगे कि रॉक्स जो है वो डिफरेंट टाइप की होती हैं। कुछ रॉक्स ऐसी भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी होती हैं। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड की बात करें तो मार्बल जो है वो सबसे हार्ड रॉक होता है, जिसका इस्तेमाल आप भी जानते हैं कि ताजमहल को बनाने के लिए किसका यूज़ किया गया था? मार्बल का यूज़ किया गया था, ठीक है ना। और इसके बाद कुछ हमारे पास ऐसे भी हैं, ठीक है, कुछ हमारे पास रॉक्स ऐसी भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा बच्चों कैसी है, सॉफ्ट है, ठीक है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर हमारे लिए टेलकम पाउडर, ठीक है, टेलकम पाउडर जो आप लोग घर में पाउडर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो भी किससे बना हुआ है? वो भी रॉक्स से बना हुआ है। तो एक एग्ज़ाम्पल हमारे पास हार्ड रॉक का ताजमहल और सॉफ्ट रॉक का कौन सा हो गया? टेलकम पाउडर, ठीक है। फिर हमारी जो मिट्टी है, मिट्टी का कलर भी सेम नहीं है, ठीक है, कलर ऑफ सॉइल भी वेरिड हो जाता है, अलग अलग तरीके का हो जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो हमारा मिट्टी है उसका कलर भी बदल जाता है, उसकी वजह से रॉक का फॉर्मेशन बताता है कि जिस तरीके की वहाँ की रॉक होगी, चट्टान होगी, उसी तरीके की मिट्टी भी वहाँ पर पाई जाएगी, ठीक है ना। तो अब इंडिया एक बहुत बड़ा लैंड मास है, ठीक है, जो अलग अलग ज्योग्राफिकल पीरियड से होकर गुजरा है और अलग अलग ज्योग्राफिकल पीरियड की वजह से इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ों का इन्फ्लुएंस हुआ, जिससे कि भारत का जो रिलीफ है वो चेंज हुआ है। भारत का रिलीफ चेंज होने की बात मैं कर रही हूँ, उसका फिज़िकल फीचर जो है बदला है, और ये जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन हुआ है ना भारत का, जो भारत में आप इतने सारे बदलाव देख रहे हैं, उसके पीछे जो प्रोसेस है वो प्रोसेस किसका है? वो प्रोसेस है वेदरिंग का, वो है इरोजन का, और वो है डिपोजिशन का, ठीक है, जिसने इंडिया को मॉडिफाई किया है और उसको अलग अलग रिलीफ फीचर्स में हमारे सामने प्रस्तुत किया है, ठीक है। वेदरिंग प्रोसेस में क्या होता है? सर्दी पड़ती है, गर्मी पड़ती है, बारिश होती है, ठीक है। तो जो वेदरिंग प्रोसेस है उससे दो एक्टिविटीज़ होती है, एक होता है इरोजन और एक होता है डिपोजिशन। ये चीज़ मैं आपको 7th-8th क्लास में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है, तो आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में। अर्थ के साइंटिस्ट जो हैं, जो अर्थ को स्टडी करते हैं, उन्होंने भी ये अटेम्प्ट किया है, ठीक है, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है फॉर्मेशन ऑफ फिज़िकल फीचर, ठीक है। उन्होंने, अर्थ के साइंटिस्ट ने अर्थ की एक थ्योरी के थ्रू हमें एक्सप्लेन किया है, हमें ये समझाने की कोशिश की है कि फॉर्मेशन ऑफ फिज़िकल फीचर ऑफ द अर्थ, यानी कि भारत का जो फिज़िकल फीचर या अर्थ का फिज़िकल फीचर है वो कैसे फॉर्म हुआ है, और उसके पीछे एक बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है। और ऐसी ही एक प्लॉजिबल थ्योरी है, मतलब जिसके हमारे पास सबूत है, जिसको हम समझ सकते हैं, वो थ्योरी है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। कौन सी थ्योरी है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी
जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है इस चैप्टर में. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये थ्योरी क्या कहती है, द क्रस्ट अपर पार्ट ऑफ दी अर्थ, यानी आपको पता ही है कि अर्थ को तीन हिस्सों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल कोर. ठीक है, ये तीन लेयर होती है हमारी अर्थ की, और जिस लेयर पे हम लोग रहते हैं उस लेयर को बोलते हैं क्रस्ट. ठीक है, अपर पार्ट जो है वो क्रस्ट कहलाता है. तो यहाँ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो अपर पार्ट है क्रस्ट का अर्थ में, हैज़ बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स, यानी कि पूरे विश्व की जो क्रस्ट है, जो हमारी अर्थ है उसका जो क्रस्ट है वो किससे बना है, वो बना है 7 मेजर और सम माइनर प्लेट्स. ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स बता रही हूँ. तो ये आपके लिए थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स में हमारा जो क्रस्ट है वो 7 मेजर और कुछ माइनर प्लेट से बना है, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है ना, हमारी अर्थ जो है वो प्लेट्स पर बैठी हुई है, और वो प्लेट्स जो है मूवमेंट करती हैं. ठीक है, अलग अलग तरीके से उनके बीच में मूवमेंट हो रहा है. ठीक है, और यहाँ पर जो मूवमेंट होता है प्लेट्स के अंदर, ठीक है, मूवमेंट्स ऑफ प्लेट की वजह से क्या होता है, बिल्डअप होता है, एक स्ट्रेच होता है. जैसे अगर आप देखें अर्थक्वेक आता है, तो अर्थक्वेक आने से भी तो कुछ ना तो कुछ एक्टिविटी होती है. ऐसे ही जब ये प्लेट मूव करती है तब भी कोई ना तो कोई एक्टिविटी होती है, चाहे वो कॉन्टिनेंटल रॉक, मतलब सबसे ज़्यादा एक्टिविटी कहाँ नोटिस की जाती है, कॉन्टिनेंटल रॉक पे, यानी कि जहाँ पर लैंड मास होता है, जहाँ पर लैंड होती है वहाँ पर ये एक्टिविटी ज़्यादा नोटिस की जाती है. और ये एक्टिविटीज़ की वजह से क्या होता है, जब ये प्लेट मूवमेंट करती है तो या तो फोल्डिंग होती है, या फॉल्टिंग होती है, या वॉल्केनिक एक्टिविटी डेवलप होती है. ठीक है ना, तो आपको ज़रूर समझाऊंगी मैं इसके बारे में कि ये तीनों एक्टिविटी किस तरीके से होती हैं. ठीक है, देखा जाए तो आपको इसको समझाने में मुझे ज़्यादा टाइम, अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा. कि सबसे पहले तो आप ये डायग्राम देखिए कि जिस प्लेट्स की मैं बात कर रही हूँ, नॉर्मली वो प्लेट्स इतनी छोटी छोटी नहीं है, क्योंकि हमारे जो कॉन्टिनेंट है वो बहुत बड़े बड़े हैं. सबको कॉन्टिनेंट के नाम पता है, एशिया है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं ना हमारे. तो इनकी जो प्लेट्स होंगी वो भी छोटी नहीं होंगी, वो भी बड़ी बड़ी प्लेट्स होंगी, और उनके मूवमेंट भी अलग अलग तरीके से होंगे. ठीक है, तो जो हमारी प्लेट्स हैं ना उनमें तीन तरीके की एक्टिविटी नोटिस की जाती है, यानी कि वो तीन तरीके की मूवमेंट करते हैं. एक मूवमेंट होती है कन्वर्जन. कन्वर्जन में आप एरो देख रहे हो कि दोनों प्लेट्स जो हैं वो आपस में टकराती हैं. ठीक है, दिख रहा है आपको कि प्लेट्स जब कन्वर्जेंट होगी तो दोनों प्लेट्स क्या करेंगी, अपनी मूवमेंट में आपस में आकर टकराएंगी, यानी कि एक कॉन्टिनेंट की प्लेट और दूसरे कॉन्टिनेंट की प्लेट्स में आपस में क्या होगा, एक टकराव होगा. ठीक है, जिसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट. ठीक है, दूसरी मूवमेंट होती है बच्चों डाइवर्जेंट वाली. ठीक है, डाइवर्जेंट मूवमेंट कैसी होती है, इसमें दोनों कॉन्टिनेंट प्लेट्स जो होती हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाती हैं. ठीक है ना, आप देख रहे हो ये एरो हमें बताएगा कि इसकी वजह से जो मूवमेंट है उसमें दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स अलग अलग डाइवर्ज हो जाती है. ठीक है, इसके बाद आती है हमारी तीसरी मूवमेंट वाली प्लेट. तो तीसरी मूवमेंट प्लेट जो होती है वो होती है ट्रांसफॉर्म. ट्रांसफॉर्म का मतलब वो एक दूसरे के साथ पैरेलल मूवमेंट करती है. ठीक है, यानी कि ये ना तो पास आती हैं ना ही ये दूर जाती हैं, ये एक दूसरे के साथ पैरेलल मूवमेंट जो है वो करती हैं. ठीक है ना, तो अब देखिए ये तो आपको मूवमेंट समझ में आ गई. ठीक है, अब इस मूवमेंट से आपके सामने कोई एक एग्जांपल मुझे आपको देना पड़ेगा. मैं एग्जांपल आपको देती हूँ इंडिया का. ठीक है, देखिए मैं आपको समझाती हूँ एक मेथड लेकर, कि अगर आपको मुझे एक मूवमेंट समझानी है, मैं आपको कन्वर्जेंट मूवमेंट समझाती हूँ. ठीक है, जिसमें बाउंड्री जो है प्लेट बाउंड्री वो आपस में टकराती है, एक दूसरे से जुड़ती है. ठीक है, तो ये हो गई हमारी इंडिया की प्लेट बाउंड्री. ठीक है, जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साथ जुड़ी हुई है, नीचे हमारा ऑस्ट्रेलिया है, तो इंडिया का जो बाउंड्री है वो ऑस्ट्रेलियन प्लेट वाली बाउंड्री से जुड़ा हुआ है, और ऊपर जो है वो हमारा यूरोप है जो एशिया कॉन्टिनेंट में आता है. ठीक है, तो ये होगी हमारी ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और इसको हम बोलते हैं यूरेशियन प्लेट. ठीक है ना, तो अब जब मैं आपको बता रही हूँ कन्वर्जेंट होने वाली बात, तो जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो और जो यूरेशियन प्लेट है वो,
ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं, कन्वर्जेंट हो रही है, आपस में एक दूसरे के साथ टकरा रही है, टकरा रही हैं। इसी वजह से आपको मैं क्या इसमें एग्जांपल देती हूँ कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक किस तरफ आते हैं, नॉर्थ की तरफ सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। यानी कि हमारा जो ऊपर वाला ये हिमालयन वाला हिस्सा है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। इसका ये सबसे बड़ा एग्जांपल शो करता है कि जो हमारी इंडिया वाली प्लेट है और जो यूरेशियन वाली प्लेट है, ये दोनों आपस में टकरा रही हैं, और टकराने की वजह से इनके बीच में जो एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी से एक तो हमारे माउंटेन्स डेवलप हुए हैं, और दूसरे जो हैं वो हमारे भूकंप के झटके इसी वजह से आते हैं कि इंडिया की जो प्लेट है वो खिसक कर ऊपर जा रही है और जो यूरेशियन प्लेट है वो खिसक कर नीचे आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। इस तरीके का एक एग्जाम्पल हमारे सामने और आ जाता है, वो आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ किस चीज़ का, कि यहाँ जो है हमारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, यहाँ हमारा यूरोप है। ठीक है, तो ये जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की प्लेट है ना, वो इस तरफ को जा रही है, और यूरेशियन प्लेट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है, उसकी मूवमेंट इस तरफ को है। तो इस वजह से इनके बीच में कौन सा मूवमेंट हुआ, डाइवर्जेंट मूवमेंट हुआ। ठीक है, और डाइवर्ज होने की वजह से यहाँ पर गैप ज़्यादा आता है। ठीक है, उसके अंदर क्रैक्स होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कोई पेपर है, कोई भी कागज़ का टुकड़ा, अगर आप उसे इस तरफ को मूवमेंट में खींचते हैं, अपने हाथों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, पेपर बीच में से ब्रेक हो जाएगा, फट जाएगा। तो यहाँ पर यही क्रैक जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, और जो यहाँ का अटलांटिक ओशियन है, वो अटलांटिक ओशियन इसी वजह से गैप में क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, और इंडिया में जो मैंने आपको हिमालयन का एग्जांपल दिया, जो हमारे हिमालयन माउंटेन्स हैं, वो किसकी वजह से क्रिएट हुए हैं, वो हुए हैं कन्वर्जेंट की वजह से। तो फिर आपको एक पेपर का एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप एक पेपर का पीस लेते हैं और उसे अपने दोनों हाथों से पास में लाने की कोशिश करते हैं, यानी कि उस दोनों हाथों से अगर आप उसे सेम डायरेक्शन में पेपर को लेकर आ रहे हैं, तो वो पेपर कैसे हो जाएगा, इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, वो बीच में से क्या हो जाएगा, उठ जाएगा, क्योंकि आप इधर से और इधर से दोनों से सेम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंट हो जाता है, जिसकी वजह से फोल्डिंग होती है, और फोल्डिंग होने की वजह से क्या होता है, जैसे यहाँ ही शो हो रहा है कि एक प्लेट दूसरी, जैसे ये वाली प्लेट आप देख रहे हो, ये प्लेट नीचे आ गई, ठीक है, और ये वाली प्लेट इसके ऊपर चली गई, तो उससे क्या हो जाती है, फोल्डिंग हो जाती है, और जो नीचे की एक्टिविटी जो भी होती है वो ऊपर की तरफ आ जाती है। तो हमारे जो हिमालयंस हैं ना, वो इसी कन्वर्जेंट की वजह से तैयार हुए हैं। ठीक है, और डाइवर्जेंट की वजह से आप सामने ही देख रहे हैं कि बीच में एक बहुत बड़ा क्रैक आ जाता है। ठीक है ना, वो उसे फॉल्ट बोलते हैं हम लोग। तो यही चीज़ आपके सामने अभी जब मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही थी, यही बातें आपको मैंने बताई थी कि फोल्डिंग, फोल्डिंग जस्ट मैंने अभी अभी आपको समझाया कि फोल्डिंग मतलब इस तरीके से फोल्ड हो जाता है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर आ जाती है। ठीक है, और फिर उसके बाद फॉल्टिंग, फॉल्टिंग में मैंने आपको बताया कि दोनों प्लेट्स एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, तो बीच में फॉल्ट आ जाता है, क्रैक आ जाता है, ब्रेक आ जाता है। ठीक है, और वोल्केनिक एक्टिविटी भी इसी पर डिपेंड करती है कि जहाँ पर कॉन्टिनेंट नहीं होता है, ठीक है, लैंड नहीं होता, जहाँ पानी होता है, वहाँ की प्लेट्स भी तो मूवमेंट करती ही होंगी। ठीक है, तो वहाँ की प्लेट्स की मूवमेंट में क्या होता होगा, वहाँ की प्लेट्स की मूवमेंट जो है वो डाइवर्ज मूवमेंट करती है। ठीक है, इधर सरक इधर की तरफ खिसक जाती हैं वो, तो ऐसे में क्या होगा, क्रैक आएगा। तो नीचे सिर्फ पानी ही पानी है, और आप जानते हैं कि जो हमारी अर्थ का कोर है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, वहाँ इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि आयरन जैसी चीज़ भी वहाँ पर मेल्टिंग फॉर्म में है। तो जब इस तरीके की डाइवर्स एक्टिविटी होगी, तो क्या होगा, अंदर का जितना भी मोल्टन मैग्मा है, ठीक है, वो पानी के नीचे ही तो है, तो पानी तो कोई सॉलिड होता नहीं है, पानी जो है वो लिक्विड है, तो ये जितना भी मोल्टन मैग्मा होता है, वो क्रैक होने की वजह से, ये फॉल्ट आने की वजह से, ये सारा मैग्मा बाहर निकलने लग जाता है। ठीक है, और लावा बनकर अर्थ की क्रस्ट के ऊपर गिरना शुरू हो जाता है।
ठीक है। और जब ये गिरना शुरू हो जाता है, और क्योंकि हमारी अर्थ जो है एज़ कम्पेयर टू नीचे के टेम्परेचर से ज़्यादा ऊपर टेम्परेचर ठंडा है, तो जैसे ये फॉल्टिंग हुई, ठीक है, ये क्रैक आया, तो जितना भी लावा ऊपर इकट्ठा हो जाता है, वो लावा जब ठंडा हो जाएगा, तो ठंडा लावा क्या बनेगा, ये सारा लावा ठंडा होकर माउंटेन की शेप ले लेता है, क्योंकि ये लावा ऐसे ही फैलता जा रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से वॉल्केनिक एक्टिविटी जब होती है तो माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको प्लेट्स की वजह से ये तीनों एक्टिविटीज़ क्लियर हो गई होंगी। फोल्डिंग होती है कन्वर्जेंट की वजह से, ठीक है, और जो फॉल्टिंग होती है वो डाइवर्जेंट की वजह से होती है, और वॉल्केनिक एक्टिविटी वहाँ होगी जहाँ पर लैंड सरफेस नहीं होता है, जहाँ पर पानी होता है, और पानी के अंदर से ही क्या बाहर आ जाती है, जो मैग्मा होता है वो बाहर निकल के आ जाता है, ठीक है। तो आपके सामने ये तीनों बाउंड्रीज क्लियर हो चुकी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, कंपन होती है, वाइब्रेशन होती है, उससे किसी तरीके की कोई एक्टिविटी नोटिस नहीं होती। फोल्डिंग फॉल्ट या तो फोल्डिंग वाली या फॉल्टिंग एक्टिविटी उसमें नहीं नोटिस करते हैं, उसमें सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और जो प्लेट्स में वाइब्रेशन क्रिएट होती है। तो देखिए यहाँ डू यू नो में भी लिखा हुआ है कि मोस्ट वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड एट प्लेट मार्जिन, बट सम डू अकर विद इन द प्लेट्स, ठीक है। तो जितने भी वोल्केनोज या अर्थक्वेक आते हैं वो प्लेट के मार्जिन पर सबसे ज़्यादा आते हैं, जबकि प्लेट्स के अंदर ये एक्टिविटी बहुत कम होती है, ठीक है। तो आप ऐसा स्टडी करिए, पता लगाइए कि वर्ल्ड के कौन कौन से हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर इस तरीके की जो अर्थक्वेक वॉल्केनिक एक्टिविटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि आप ये होमवर्क करें और ये ढूंढ कर निकालें कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ होती हैं वॉल्केनो वाली और अर्थक्वेक वाली, वो कहाँ होती है, और एक नाम ढूंढ कर मुझे इसका आंसर आप लोग शेयर करेंगे, कि आप ये बताएंगे कि रिंग ऑफ फायर, ठीक है, रिंग ऑफ फायर कहाँ है और रिंग ऑफ फायर किसे कहा जाता है, ठीक है। ये किस लिए इम्पॉर्टेंट है, आप ये रिंग ऑफ फायर के बारे में थोड़ा सा स्टडी करके आइए और मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन करिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमें कंटेंट पढ़ना है वो पढ़ना है गोंडवाना लैंड का, ठीक है। गोंडवाना लैंड जो है, इसकी एक थोड़ी सी ब्रीफिंग दे देती हूँ, लेक्चर इस पे आज नहीं, आपको नेक्स्ट पार्ट में इसका लेक्चर प्रोवाइड होगा। गोंडवाना लैंड जो है वो, जिसे जो पूरा वर्ल्ड अलग अलग कॉन्टिनेंट में डिवाइड हुआ है ना, ठीक है, ये कॉन्टिनेंट तो अब बने हैं, ठीक है। इससे पहले जो हमारा पूरा वर्ल्ड, जो हमारी अर्थ थी ना, वो एक बहुत बड़ा गोला, जिसको बोलेंगे ना लैंड का टुकड़ा जो थी, लैंड पीस जो थी, ये पूरा गोल था, और यही प्लेट एक्टिविटी की वजह से क्या होने लगे, ठीक है, यही प्लेट एक्टिविटी की वजह से ये जो सर्कल है लैंड मास का, ये टूटना शुरू हो गया, और इस तरीके से टूटा कि जैसी जैसी प्लेट्स की एक्टिविटी होती गई, वैसे वैसे जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो डिवाइड होते गए, ठीक है। तो ऊपर के कॉन्टिनेंट वाले हिस्से में हमारे पास आ जाता है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप आ जाता है, रशिया आ जाता है, चाइना आ जाता है, ठीक है। तो ये तो हमारी ऊपर वाली लैंड बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम अपना इंडिया पढ़ने वाले हैं, तो हम इंडिया के बारे में ये समझेंगे कि हमारा एक सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास है, सबसे पुराना लैंड मास है, जिससे हमारा इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट बना है, जिसे हम अपना वी शेप वाला कहते हैं। क्योंकि ऊपर वाला जो हिस्सा है वो तो मैंने आपको बताया कि प्लेट की मूवमेंट की वजह से बना है, बाकी नीचे वाला हिस्सा जो हमारा पूरा लैंड मास है ना, वो सबसे पुराना हिस्सा है, सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास है, और किसका पार्ट है वो पार्ट है हमारे गोंडवाना लैंड का, ठीक है। ये आपको थ्योरी ज़रूर समझाऊंगी कि गोंडवाना लैंड क्या है, क्योंकि गोंडवाना लैंड बताया आपको, ये इतना बड़ा जो गोला है उसका आधा हिस्सा हमारा नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, रशिया और चाइना जैसे देशों के बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स तैयार हो गए, और जो ये नीचे वाला हाफ पोर्शन बचा ना, इसी को बोलते हैं गोंडवाना लैंड, और इससे हमारे नीचे वाले सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो डेवलप हुए हैं। जैसे नाम यहाँ लिखा है कि इंडिया भी किससे बना है, गोंडवाना लैंड से, और इंडिया किस में से अलग हुआ है, साउथ अफ्रीका से अलग हुआ है, ठीक है। समझाऊंगी कि जैसे ये हमारा साउथ अफ्रीका है, यहाँ से एक
टुकड़ा निकला और प्लेट, क्योंकि इंडिया की इस तरफ को मूव कर रही है पहले ही बताया था, तो उसमें से हमारा ये पेनिनसुलर जो है नीचे वाला हिस्सा वो ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हुआ था, ठीक है ना। तो ये है हमारा गोंडवाना लैंड से हमारा इंडिया कैसे निकला है साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, ठीक है। उसी में हमारा ऑस्ट्रेलिया भी आता है इसी हाफ़ में, इसी हाफ़ में साउथ अफ्रीका भी है और साउथ अमेरिका भी है। ये एक सिंगल लैंड मास में से हमारे पास क्या क्या निकला, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका। और इंडिया एज अ पेनिनसुलर कहाँ से बाहर आया है, साउथ अफ्रीका से बाहर आया है, ठीक है। तो इसकी स्टोरी भी आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से ये ओल्डेस्ट लैंड मास माना जाता है, इसके पीछे क्या पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, किस तरीके से ये सारा डेवलपमेंट हुआ है, इसके लिए अब आपको नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करना पड़ेगा। यहाँ तक के लिए आपको मैंने इतना ही कंटेंट देना था, यही कंटेंट आपके लिए आज के लेक्चर के लिए सफिशिएंट है। पढ़िए फिजिकल फीचर में थोड़ा बहुत, ठीक है, रॉक्स के बारे में जानिए, प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में जानिए, प्लेट टेक्टोनिक्स से कौन कौन सी मूवमेंट होती है, उनसे कौन कौन सी लीडिंग एक्टिविटी होती है, प्लेट्स की मूवमेंट क्या है, और जो थोड़ी सी ब्रीफिंग मैंने आपको गोंडवाना लैंड की दी है आप उसे भी समझिए और उसको भी तैयार कीजिए, ठीक है, और फिर नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए। आई होप कि आपको आज का मेरा ये लेक्चर पढ़ाया हुआ सारा क्लियर हुआ होगा, सब समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।